और कंपटीशन किससे होगा, मुझसे ही है, बहुत बड़े भाई हैं उनसे है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हम रहें वहाँ वो रहें, जहाँ वो रहें तहाँ हम रहें। तो ये अच्छी बात है, कंपटीशन करना अच्छी बात है, क्योंकि इंसान एक दूसरे को हमेशा प्रयास करता है कि मैं कुछ बेहतर करूँ, मैं कुछ बेहतर करूँ। तो कंपटीशन बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपके जीवन में कंपटीशन ना हो तो आपका काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं हम प्रयास हैं, और इसमें भोजपुरी का जितना भी योगदान हमारी तरफ से हो सकता है, भोजपुरिया ने हमें बनाया, अब हम भोजपुरी के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयास है। हमने खुद के लिए जितना मेहनत करना था कर दिया है, पैसे भी हो गए, गाड़ी भी हो गई, सारी चीज़ें तो हो ही गया है। अब जीवन में कुछ चाहिए नहीं, अब चाहिए कि हमसे क्या हो सकता है अपने भाषा के लिए वो करें। और अपने भाषा के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, तो हमें तो सिर्फ मेहनत ही करना है। आगे बढ़ाने का काम तो इन सबका है, क्योंकि कुछ भी आगे ज़्यादा ऊपर होता है तो पैसा लगता है। तो पैसा वाले लोग तो पहले ही से कार्तिक भैया ऑलरेडी ऊर्जा में है कि अब 2-4-5 करोड़ लगाएंगे भोजपुर। तो इनका प्रयास रहा और हम सब मेहनत करेंगे तो बेहतर चीज़ें होगी। और पराग पाटिल के साथ ये मेरी जितनी भी फिल्म हुई है करीब सबके सब सुपरहिट हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से लड़ते भी बहुत ज़्यादा। ये ना मेरे लिए डायरेक्टर कभी रहे और ना ही मैं इनके लिए एक डायरेक्टर रहा, हमेशा एक छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता और दोस्त का भी रिश्ता। हमारे साथ जितने भी हैं कभी हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह लड़ते भी हैं। ऐसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई, इसीलिए अनुभव नहीं है मेरा, खुद बोल रहा हूँ क्या, और वो भी मीडिया के सामने ना, कई बार में कभी कभी झूठी चीजें भी सच हो जाती है। भगवान करे कि आप लोगों के अनुभव मेरे को फिर से कोई नया जिंदगी मिला दे। लेकिन अब नहीं, अब क्या, अब तो उम्र भी हो गई, 25 साल का हो गया, इसमें भी झूठे चल रहा है। कोई बात नहीं, आप सबका प्यार रहे तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। पूर्वांचल लाइफ की ऐसे ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइफ के साथ।